जिला आदरणीय बैंक कार्यालय हमीरपुर द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी तथा आरबीआई शिमला के सहयोग से वित्तीय जागरूकता शिविर का आयोजन हमीर भवन में किया गया। इस कार्यशाला में कृषि विभाग, उद्योग, पुलिस, सहकारी सभाएं, रोजगार, राजस्व के अलावा बैंकिंग से जुड़े कई लोगों ने इसमें भाग लिया। हमीरपुर के अतिरिक्त अन्य स्थानों के लोग व कर्मचारी भी इसमें मौजूद रहे। जिला अग्रणी बैंक कार्यालय हमीरपुर द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड तथा आरबीआई शिमला के सहयोग से वित्तीय जागरूकता तथा हमीर भवन में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें कृषि विभाग, उद्योग, पुलिस, सहकारी सभाएं, रोजगार, राजस्व, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज, पशुपालन, शिक्षा, पंजाब नेशनल बैंक, कनेरा बैंक, हमीरपुर के अतिरिक्त विभिन्न विभागों तथा बैंकों के अधिकारियों ने भाग लिया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के एजीएम मृदु रस्तोगी ने बताया कि इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना है, ताकि लोग वित्तीय लेन देन के मामले में विभिन्न प्रकार की कंपनियों की धोखाधड़ी से बच सके। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति की सेवी से पंजीकृत कंपनी में ही निवेश करना चाहिए। उन्होंने निवेशकों की सुरक्षा तथा हितों को लेकर सेवी द्वारा लागू किए जा रहे नियमों तथा पहलुओं को भी विस्तार से जानकारी दी। भारतीय रिजर्व बैंक शिमला इकाई के एजीएम अवनेश्वर सिंह ने डिजिटल भुगतान तथा इंटरनेट बैंकिंग के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए अधिक से अधिक लोगों को डिजिटल लेन देन की प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। अपने बैंक खातों, एटीएम, क्रेडिट कार्ड इत्यादि के पिन नंबर किसी भी व्यक्ति से साझा नहीं करने चाहिए। उन्होंने कहा कि एटीएम प्रयोग करने वाले सभी बैंक ग्राहकों को अपने पिन कोड नंबर तथा सीवीवी नंबर को किसी के साथ साझा न करने की सलाह दी। किसी भी प्रकार के लालच में नहीं आना चाहिए। फेक मोबाइल कॉल तथा संदेश पर विश्वास न करें। किसी भी प्रकार की असुविधा होने पर संबंधित बैंक शाखा के अधिकारियों से फोन अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें। यदि आवश्यक हो तो प्रत्येक बैंक की वेबसाइट पर तुरंत लिंक कर ऑनलाइन शिकायत भी की जा सकती है। बैंक से संबंधित खातों में अपना मोबाइल नंबर का पंजीकरण करवाने के साथ मैसेज अलर्ट की सुविधा लें, ताकि बैंक खाते से किसी भी प्रकार के वित्तीय लेन देन के बारे में जानकारी उपलब्ध हो सके। इस अवसर पर सेवी के डीजीएम दिनेश जोशी तथा एलडीएम हमीरपुर जीसी बट्टी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।